आज चार राज्यों के चुनाव में जो अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों ने मोदी जी पर विश्वास दिखाया है। ये मोदी जी के ऊपर लोगों के विश्वास की जीत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पारदर्शी प्रामाणिकता से गरीब कल्याण का एजेंडा इस देश में चलाया, उसके विश्वास की ये जीत है। जिस प्रकार से भारत के विकास को लोगों ने उसका अनुभव किया, उसकी अनुभूति ली, उसका ये विजय है। जिस प्रकार से आम आदमी को ये लगा कि कोई प्रधानमंत्री और कोई सरकार ये सीधे हमारे लिए काम कर रही है, उस अनुभूति का ये विजय है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे चार राज्यों की जनता, विशेष रूप से जिन तीन राज्यों में हमको विजय मिला है, उसकी जनता का तो ये श्रेय है ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसका पूरा श्रेय ये प्रधानमंत्री मोदी जी को है, उनके ऊपर जो विश्वास है उसको ये श्रेय है, और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इनको भी यह श्रेय जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राज्यों की बीजेपी के जो यूनिट्स है और हमारा जो केंद्रीय पूरा नेतृत्व है, इनका यह श्रेय है कि जिसके कारण एक अभूतपूर्व जीत हमको मिली है। इस जीत का हम जब विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि बीजेपी के वोट्स ये 10% से भी ज्यादा यहां पर एवरेज में बढ़े हैं, जहां एक और छत्तीसगढ़ में 14% वोटों की बढ़ोतरी हमको दिखाई पड़ती है, वही मध्य प्रदेश में भी 8% वोट बढ़े हैं और तेलंगाना में भी तकरीबन 10% वोटों में इजाफा हमको दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास दिखाया है। अभी इन चार राज्यों में कुल मिलाकर जो 639 सीटें थी, उनमें से 339 सीटें यानी 50% से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो एक डिसाइसिव विन, एक डिसाइसिव मैंडेट ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। लोगों ने जो इंडी अलायंस तैयार हुआ था उसको सिरे से नकार दिया है, और जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी कर रहे थे और रेवड़िया बांटने का काम कर रहे थे और जिस प्रकार के आश्वासन वो दे रहे थे, लोगों ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकारा है और राहुल गांधी की झूठी गारंटी को सिरे से नकार दिया है, ये इसमें से ध्यान में आता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस की जब बैठक होगी तो इस पराजय के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की जगह अगर आत्मावलोकन वो लोग करेंगे तो उनके ध्यान में आएगा कि ये जीत केवल पारदर्शी प्रामाणिकता की मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। देवेंद्र जी, चार राज्यों में जो चुनाव हुआ, कहीं पे भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, तो क्या लग रहा है कि चारों राज्यों में नरेंद्र मोदी चेहरा थे, इस पे लोगों ने वोटिंग की? और आपने कुछ समय पहले कहा था कि महिलाएं डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगी, तो कितना लग रहा है, आपने हर राज्यों में जाकर प्रचार किया था, तो महिलाएं कितनी डिसाइडिंग फैक्टर थी, और मुख्यमंत्री का चेहरा न होने के बाद क्या मोदी जी को चेहरा थे कि वोटिंग की गई? भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड ही मोदी जी है, और मोदी जी ने जिस प्रकार का विश्वास तैयार किया है, उस विश्वास को वोटों में तब्दील करने का काम इन चुनाव में हुआ है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से लोगों ने मोदी जी की ओर देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और आगे भी लोग मोदी जी की ओर देखकर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। देखिए, अभी तो इसका विश्लेषण होगा, लेकिन अगर हम इनिशियल इंडिकेटर्स देखें, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो आदिवासी हो, सभी ने
या अनुसूचित जाति के लोगों सभी ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है, ये ध्यान में आ रहा है। कुछ करेंगे तेलंगाना में जैसे कम फोर्स है तो उसके लिए आगे नहीं? देखिए तेलंगाना में हमारा जो राइज है वो बहुत बड़ा है और मैं ऐसा मानता हूं कि तेलंगाना में ये बात स्पष्ट हो गई कि अब लोकसभा के चुनाव में पिछले समय हमको 4 सीटें मिली थी, अब इस लोकसभा के चुनाव में मैं आज ही कह देता हूं, आप देख लीजिए हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तेलंगाना में लोकसभा में नंबर वन पार्टी बीजेपी होगी। देवेंद्र जी, इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था इन चुनावों को, 2024 में लोकसभा भी है, महाराष्ट्र का चुनाव भी है, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 160 के ऊपर गई है, तो क्या महाराष्ट्र का समीकरण क्या लग रहा है आपको, क्या इसका इफेक्ट वहां पे पड़ेगा, लोकसभा का भी चुनाव उससे पहले है? देखिए मैं पहली बात तो आपको बोल देना चाहता हूं कि लोकसभा के बारे में तो लोगों की मानसिकता तय है, इन चुनाव से हमको फायदा होगा इसमें कोई शक नहीं है, पर इन चुनाव के परिणामों पर लोकसभा कभी भी निर्भर नहीं थी। लोकसभा में लोगों का मन बना है, लोग मोदी जी को बनाना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा में तो वोट मिलते ही, लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण बहुत ज्यादा सकारात्मकता तैयार हो गई है। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग अब इस चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस से दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए इंडिया अलायंस ये कोई अलायंस थोड़ी है, ये कोई विचारों के साथ साथ में आए हुए लोग नहीं है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे भी साथ में आए हुए लोग नहीं है, इनका केवल एक प्रोग्राम है, मोदी जी को हटाओ, क्योंकि मोदी जी के कारण इन सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए मोदी जी को हटाने का प्रयास ये लोग मिलकर करते हैं, इसलिए ये कभी कोहेसिव ग्रुप था नहीं, आगे भी कोहेसिव ग्रुप रह सकता नहीं। एक सीआईडी और ईडी का डर दिखाकर आप चुनाव जीतते, ऐसा भी विरोधों का कहना है, क्या बताएं? नहीं अभी ईवीएम की बात नहीं की, उसके बाद फिर जवाब देता हूं। देवेंद्र जी, सभी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के संबंध में बता रहे थे कि वहां पे कांग्रेस रिटेन करेगी, क्या स्ट्रेटेजी थी? आप भी रायपुर और तमाम जगहों पे गए थे प्रचार के लिए, कैसे वहां पे बीजेपी ने अचानक बढ़त बनाई? मुझे ये लगता है कि मोदी जी पर छत्तीसगढ़ में बहुत विश्वास लोगों के मन में था। आप देखिए पिछले समय भी छत्तीसगढ़ जब हम हारे और तुरंत लोकसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ फिर मोदी जी के साथ आया, और इन 5 वर्षों में बघेल जी ने और उनकी सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, फिर वो महादेव ऐप का घोटाला हो या अलग अलग प्रकार के गोबर का भी घोटाला वहां पर हुआ है, तो इन सब घोटालों के चलते लोगों के मन में ये भावना थी कि नहीं हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसी ये बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ आए हैं।